हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि आप प्याज के छिलकों से पौधों के लिए फर्टिलाइज़र किस तरह से बना सकते हैं। तो ये मेरी प्याज है, ये प्याज है मेरी। तो आपको क्या करना है, प्याज को एक डुब्बा लेना है। इस तरह से आप एक डुब्बा लीजिए, उस डुब्बे में आप प्याज को डाल दीजिए। प्याज के छिले होते हैं ना, उनको आप इसमें भर लीजिए। भरने के बाद इस तरह से आप इसमें भर लीजिए। भरने के बाद आप इसमें पानी डाल दीजिए। इस तरह से पानी डाल दीजिए। पानी भरने के बाद आप इसको ढक्कन को बंद कर दीजिए। ढक्कन बंद करने के 24 घंटे या 48 घंटे बाद आपको ये फर्टिलाइज़र आपका तैयार हो जाएगा। तो 24 घंटे बाद या 48 घंटे बाद आपका ये फर्टिलाइज़र इस तरह से रेडी हो जाएगा। तो आपको फिर क्या करना है, इसको छान लेना है। छिक्कल मैंने इसमें निकाल दिए, इससे छलने में आसानी हो जाएगी। और ये छिक्कल मेरे ये डले हुए, मैंने इसके पहले से निकाल दिए थे। छानने के बाद इस तरह से ये आपका लिक्विड बन जाएगा। और जितना आपने इसमें लो लिया है, जितना आपका लिक्विड है उतना ही आपको इसमें पानी मिलाना है। और पानी मिलाने के बाद, आप इसको अपने पौधों में दे सकते हैं। यदि आपको, और इसको आप 15 दिन में एक बार दे सकते हैं। यदि आपको सूखा बनाना है तो आपको प्याज को सुखा लेना है और उसको पीस कर आप अपने पौधों में दे सकते हैं। मल्चिंग के रूप में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं पौधों के। इस तरह से आप इसकी मल्चिंग भी कर सकते हैं। और एक महीने बाद ये बढ़िया सा इसमें लुक खाद बन के इसी में तैयार हो जाएगा। और आपके पौधों को विटामिन भी मिलता रहेगा, क्योंकि प्याज में कैल्शियम, आयरन, सल्फर, पोटास भरपूर मात्रा में होता है। और इसका एक उपयोग और भी है, आप प्याज के छिलकों को सुखा लीजिए, केले के छिलकों को सुखा लीजिए और चाय की पत्ती जो आप पेस्ट होती है उसको धोकर, उसको घाम में अच्छी तरह सुखाकर तीनों को पीसकर आप छोटे गमले में 1 चम्मच और बड़े गमले में 2 चम्मच आप दे सकते हैं। तो आप जो मैंने लिक्विड बनाया है वो मैं आपको अपने पौधों में देकर बताऊंगी। ये मेरा अमरूद का पौधा है, इसमें मैं आपको देकर बताऊंगी। ये यहाँ बारिश हो गई है इसलिए मिट्टी बहुत गीली है। आपको ना ज़्यादा गीली ना ज़्यादा सूखी मिट्टी में इसको उपयोग करना है। इस तरह से आप अपने सभी पौधों में दे सकते हैं। आप देख रहे हैं मेरे इसमें कितने छोटे छोटे अमरूद बन रहे हैं। छोटे छोटे अमरूद सब जगह बन रहे हैं, देखिए छोटे छोटे अमरूद बन रहे हैं। और ये जिस तरह से आप इसमें डालिए और अच्छा इस तरह से फूल बन के इसमें छोटे छोटे भी निकल रहे हैं अमरूद, तो आप इसका उपयोग आराम से कर सकते हैं। यदि आपको ये मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरा हौसला बढ़े। आप सभी को मेरा ढेर सारा प्यार और जय जिनेंद्र।